भाई माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी का बेटा लड़ रहा है चुनाव, आप किसको ये नसीहत दे रहे हैं? और यह बताइए ना कि मीसा भारती में कौन सा गुण है जो भाई वीरेंद्र में नहीं है, रोहिणी आचार्या में जो गुण है वो दूसरे में क्यों गुण नहीं है? विधानसभा में विपक्ष का नेता जो सीनियर विधायक होता है उसको होना चाहिए। बेटी है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन तो सिंगापुर से आई हैं, तो हवाई जहाज के पैसेंजर थी ना, और लड़ाई है पायलट से। बिहार में जंगल राज 118 नरसंहार बिहार में हुआ था, पूरा खेत खलिहान ध्वस्त हो गया था, लोग डर से निकलते नहीं थे, आज वो दौर बदला है। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर एक बार फिर परिवारवाद को लेकर हमलावर है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। आरजेडी ने लंबी चौड़ी पोस्ट की है कि परिवारवाद को पूरी फहरिस्त को गिना रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो पोस्ट किया है वह बिल्कुल उनको बेनकाब करने वाला है। भाई माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी का बेटा लड़ रहा है चुनाव कि बेटी लड़ रही है चुनाव, और लालू जी आपके परिवार के प्रत्यक्ष रूप से 6 सदस्य सक्रिय राजनीति में, बाकी वेटिंग लिस्ट में है, तो आप किसको ये नसीहत दे रहे हैं? और यह बताइए ना कि मीसा भारती में कौन सा गुण है जो भाई वीरेंद्र में नहीं है, यह बताइए ना कि तेजस्वी यादव में कौन ऐसा गुण है जो अब्दुल बारी सिद्दीकी में नहीं है, आप यह बताइए ना कि तेज प्रताप यादव में जो गुण है वह आपके दल के युवा विधायक में क्यों नहीं है, रोहिणी आचार्या में जो गुण है वो दूसरे में क्यों गुण नहीं है? विधानसभा में विपक्ष का नेता जो सीनियर विधायक होता है उसको होना चाहिए, लेकिन आप, आपके बेटा रहते हैं यहाँ, आपकी पत्नी रहती है, यही परिवारवाद है। रोहिणी आचार सारण में कैंपेन कर रही है, आपके प्रत्याशी हैं जो राजीव प्रताप रूढ़ी, उनको कितना मत दे पाएगी? अब देखिए, बेटी है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन तो सिंगापुर से आई हैं, तो हवाई जहाज के पैसेंजर थी ना, और लड़ाई है पायलट से, जो जहाज उड़ाता है, तो जो जहाज उड़ाएगा उसी को जनता पक्ष में रखेगी। कल प्रधानमंत्री बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया है, आप भी उसके लेकर ट्वीट किए हैं कि आप लोग सहमत हैं प्रधानमंत्री के? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार में जंगल राज 118 नरसंहार बिहार में हुआ था, पूरा खेत खलिहान ध्वस्त हो गया था, लोग डर से निकलते नहीं थे, आज वो दौर बदला है। कि दोनों में अंतर क्या है इसका एहसास तो लोगों को है। तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।